हेलो एवरीवन, दिस इज सान राजपूत, यू वॉचिंग आर चैनल फ्री जॉब सर्विसेज। तो गाइज, आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि लॉकडाउन में देखा होगा कि अपने पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का एक आप समझ सकते हो कि इस चीज़ का अभी तक किसी ने, एक संस्था हो या किसी भी देश ने, इस चीज़ की एक वैक्सीन नहीं बना पाई है। मोस्टली रिसर्च चल रहा है, खोज रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट अभी तक इस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो मोस्टली हम बात करेंगे आज एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और हम आपको बात करेंगे कि हमारे इस टाइटल के थंबनेल्स के जरिए से एक्चुअली हम आपको पार्ट टाइम एज ए कॉलिंग है, कंप्यूटर बेस्ड वर्क है, तो किस तरीके से आपको होम बेस्ड वर्क आपको करना है, किस तरीके से आपको इसमें सैलरी स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप एक फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। तो इन 3 से 4 टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्यों इंडिया में क्यों ज़्यादा हो रहा है। मोस्टली आपको इस चीज़ के बारे में हम इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि मोस्टली क्या होता था पहले। जनरली आपने देखा होगा कि पहले इंजीनियर लेवल पर, हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहे हैं कि पहले जो क्या होता है, इंस्टीट्यूट होते थे कि काफ़ी कम इंस्टीट्यूट हो जाते थे, काउंटेबल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। बस मोस्टली क्या है कि अब एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि पहले एक गांव में भी एक होता था कि 1 से 2, 3 से 4 हार्डली एक इंजीनियर मिला करते थे। बट अब क्या होता है कि एक फैमिली में ही 3 से 4 इंजीनियर मिल जाते हैं। बट मेन चीज़ क्या होती है कि उनको जो क्वालिटी, एक स्टडी स्ट्रक्चर होता है उनका, एक सिलेबस होता है, उस वो किस तरीके प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज में, कैंपस में। कम जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में, कैंपस में कंपनियां आती हैं या नहीं आ पाती हैं, क्यों कारण है कि वो कंपनियां फ्रेशर पर ज़्यादा कमांड नहीं करती, रीज़न क्या होता है, जो कि आपको पता है, एक सोचना चाहिए कि फ्रेशर जो लोग होते हैं वो एक फ्रेशर सैलरी के साथ ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट इंजीनियर लेवल में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को एक बेसिक तरीके से अगर बोलेंगे तो ऑलमोस्ट एक इंजीनियर को प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए कम से कम 2 से 3 महीने की ज़रूरत होती है। तो वो 2 से 3 महीने आप एक एज ए फ्रेशर इंजीनियर को क्यों दे टाइम, सैलरी भी देनी होगी उन्हें, प्लस उनको एक मैनेजमेंट भी देना होगा, लॉन्ग इन लॉन्ग आउट एक ट्रेनिंग स्किल्स से उनका होगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ऊपर से वो सैलरी क्यों दे। तो इस तरीके से हम ये 2 से 3 टॉपिक होते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, और आपको पता है कि COVID-19 की वजह से ऑलमोस्ट 197 जो कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। तो उन चीज़ों को ऑलमोस्ट हम आपको बता रहे हैं को इस चीज़ को मैं ही नहीं बताऊंगा, ऑलमोस्ट सबको ही जानता है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग अपनी प्रॉपर जॉब पर नहीं टाइम से पहुंच पा रहे हैं, एक अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। मोस्टली कंपनी क्या होता है कि 1 महीने की ऑलमोस्ट सैलरी आपको प्रोवाइड कर सकती है, बट 2 महीने का एक लॉकडाउन एक बहुत बड़ा होता है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश पर। तो हम इन सारी चीज़ों के लिए हमारी एक कंपनी ने, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक होम बेस वर्क निकाला है, जिससे कि आप एक एज ए कॉलिंग वर्क कर सकते हो। जैसे कि कॉलिंग में क्या करना होता है कि एक सिंपल वे है कि कुछ अभी भी काफ़ी बड़े बड़े एनजीओ हैं, कंपनीज हैं जो अभी ओपन है, तो उन कंपनी में क्या होता है कि हमारा जो काम होता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैंडिडेट को जॉब पर लगाने होता है। तो इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो ये आपको प्रॉपर जेडी के नॉलेज हो, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपकी अच्छी नॉलेज हो, सैलरी स्ट्रक्चर आपको, सैलरी स्लिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि सैलरी क्या है फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए क्या है। तो मोस्टली एक आपका जॉब की टाइमिंग क्या है, सैलरी मिनिमम टू मैक्सिमम क्या सैलरी है, एज फैक्टर क्या होना चाहिए, एज फैक्टर जैसे कि आपको बता दूँ 18 से 36 ईयर के बीच में जो भी यूथ जनरेशन है, जस्ट ले आगे यू कैन से यूथ जनरेशन जो भी है, तो उन चीज़ों की जॉब पर प्लेस कराना। एक और गाइज, मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर आपको बता देता हूँ, ये जॉब सिर्फ एक दिल्ली NCR के लिए नहीं है, ये जॉब है बेंगलोर सिटी, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, आपकी मुंबई है, और कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली NCR है। तो इन सिटियों में हमने जो हाईलाइट जो सिटी हैं उन सिटियों को हमने एक उन चीज़ों के लिए प्रॉपर एक जॉब उनके लिए प्रोवाइड करना, होम बेस एक वर्क प्रोवाइड करना, सारी डिटेल को उनको समझाना कि किस तरीके से आपको काम करना है, एज ए कॉलिंग पे, एज ए कंप्यूटर पर आपको किस तरीके बात करना है, एज एच आर रिक्रूटर के लिए किस तरीके से आपको काम करना है। तो सारी प्रॉपर जो डिटेल हैं, जो कन्फर्मेशन है, वो आपको दिए जाएंगे एक डेमो के तरीके। मैं आपको इसी डिस्कशन पर अपना नंबर आपको ड्रॉप करूंगा, आप कॉल करके सारी डिटेल और डेमो आप ले सकते हो। तो मेन चीज़ है, मैं आपको यही चीज़ बात कर रहा हूँ, अगर आप, हमारे पास 3 ऑप्शन है जो होम बेस में अगर आप करना चाहते हो, लॉकडाउन के इशू में अगर आप करना चाहते हो, आप
देखिए मेन चीज डिपेंड करती है कि आप स्मार्ट वर्क, क्योंकि वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क तरीके से हमें कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्क जो करने वाले लोगों को वो नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क चाहिए जो अपना टाइम भी सेव कर सकें और प्लस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कंप्लीटली फिलफिल कर सकें। जैसे कि अभी जो हमारे पास जो ओपनिंग आती है, जो हमारे पास हायरिंग आती है, तो वो हायरिंग किस लेवल से, किस रिलेटेड से, जॉब से रिलेटेड होती है। जो हायरिंग होती है हमारे पास क्या होता है कि अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग आती है, हमें जो क्लोज करना होता है वो विद 2 से 3 डे, लास्ट मैक्सिमम जो होता है हमें 7 डेज का टाइम होता है जो हायरिंग हमारे पास आती है। बट क्या होता है कि हम 7 दिन में हायरिंग है क्लोज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सपोज अब बेंगलोर की क्वालिटी, तो हमें थोड़ा बहुत इश्यू आता है कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज होती है, जैसे कि तमिल साइड में, चेन्नई साइड में तमिल, तेलुगु, हैदराबाद साइड में तेलुगु चलती है। तो ये चीज़ों में क्या होता है कि हमें लैंग्वेज में थोड़ा रीजनल लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। तो इसी चीज़ों पे हम जो रिक्रूटर है जो हायर कर रहे हैं बैंगलोर के लिए, जो हमें 2 रिक्रूटर चाहिए प्लस 2 टेलीकॉलर चाहिए, और एक हमें कंप्यूटर पर बैक जो बैक ऑफिस में काम कर सके, बैकअप जो बना सके, बैकएंड के लिए काम कर सके, हमें उस ये पांच हमें एक सिटी के लिए कैंडिडेट चाहिए। ऐसे ही आपको 5 मुंबई के लिए चाहिए, हमें 5 हमें दिल्ली NCR के लिए चाहिए, जो कि एज ए फ्रीलांसर वर्क करना चाहे फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, एज ए सैलरी बेस पर वर्क करना चाहे जो सैलरी बेस पर वर्क कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम को उनका एक रिज्यूमे चाहिए प्रॉपर, उनका एक आईडी प्रूफ चाहिए, अकाउंट की डिटेल चाहिए, अकाउंट की डिटेल। लेकिन हम 7 दिन का जो एक डेमो होगा, डेमो में सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, 7 दिन के डेमो के बाद ही हम जजमेंट लेंगे जब आपको अपना अकाउंट या फिर आपको चेक चाहिए, चेक के थ्रू ले सकते हो अगर आप अकाउंट नहीं देना चाहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सारी चीज़ों के लिए ओवरऑल क्या होता है कि जो स्किल्सफुल हों, फ्रेशर कैंडिडेट हो, नो प्रॉब्लम, फ्रेशर भी कैंडिडेट चल जाएंगे, बट उनको ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके डिटेल डेमो दी जाएगा, उनका 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस उनको डेमो दिया जाएगा, ऑनलाइन आप डेमो ले सकते हो। सेकंड चीज क्या होता है कि जैसे कि अगर सपोज आपको रिक्रूटिंग होता है, बस आपको एक समय थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको स्मार्ट वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो एक सपोज आपको अगर बैंगलोर दिया हुआ है, तो बैंगलोर में जो भी हमारे पास हायरिंग आती हैं, जो हमारे पास वैकेंसीज होती हैं, तो उनको आपको कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए सोर्सेस आप सोशल साइट का यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, या फिर एक अपना टीम मैनेजमेंट, बिकॉज ये लॉकडाउन के बाद भी ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम चलेगा। एक और चीज़, इस जॉब के लिए किसी भी प्रोफाइल के लिए, किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए किसी भी तरीके से आपको चार्जेस नहीं लेने होते हैं। यानी कि देखा होगा मोस्टली एजेंसीज प्लेसमेंट्स कंसल्टेंट जो होते हैं वो चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से जॉब के नाम पर। तो आपको इस तरीके कुछ भी नहीं करना, सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे, फ्रीलांसिंग है एज ए कमीशन बेस पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कैंडिडेट से आपको कुछ भी नहीं लेना, बिकॉज हमारी कंपनी का जो मोटो है वो स्टॉप द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रोकना है, जो अब तक हुआ है, जो एटलीस्ट वो भी है कि लॉकडाउन के बाद कितनी वैकेंसीज आएंगी। इस चैनल के जरिए से आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी आपको प्रोवाइड जाएगा, जिससे कि आपका इंटरव्यू क्लियर करने में आपको हेल्प मिले, प्लस आपको इंटरव्यू के टिप्स आपको बताए जाएंगे, कोर्स कौन से टॉप 10 जो क्वेश्चंस होते हैं उन चीज़ों में इंटरव्यू के लिए, वो चीज़ आपकी स्किल से इंप्रूवमेंट किया जाएगा, एक आइज कॉन्टैक्ट होता है, आइज कॉन्टैक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से यूज करना होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर आपको समझा जाएगा, 1 घंटे की क्लासेस होगी, जो आपको 1 घंटे ऑनलाइन आके लाइव आकर आपको वो क्लासेस आपको अटेंड करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसके लिए किसी भी तरीके से आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना होता है। मैं वही चीज़ दोबारा से कहना चाह रहा हूँ, मुंबई के लिए हमें 5 कैंडिडेट चाहिए, दिल्ली NCR के लिए हमें 5 कैंडिडेट चाहिए, 5 कैंडिडेट हमें कोलकाता के लिए चाहिए, 5 कैंडिडेट चेन्नई के लिए चाहिए हमें, 5 कैंडिडेट हैदराबाद और 5 कैंडिडेट बेंगलोर के लिए, जिनको थोड़ा बहुत रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी थी। इंग्लिश कमांड अगर है तो वेल एंड गुड, हिंदी है तो वो भी और अच्छा है, बट वो कन्विंस कर सकें उस रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे सपोज कोलकाता है बंगाली लैंग्वेज चाहिए, मुंबई है तो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र लैंग्वेज के बारे में कमांड हो, बट हिंदी भी चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अगर आप जॉब सीरियसली जॉब करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना डिटेल और अपने नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना रिज्यूम डिटेल, अपना कंफर्मेशन, अपने जॉब लोकेशन, कहाँ आप रहते हो, किस क्या आपकी क्वालिफिकेशन, अपना एक रिज्यूमे बनाकर आप हमें सेंड कर सकते हो। तो हम जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे एज ए फ्रीलांसिंग तरीके से और एज ए सैलरी बेस तरीके से, तो इसमें क्या होगा कि हमें हेल्प मिलेगी और प्लस हम कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एटलीस्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको जो वीडियो पसंद हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।